हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है कैसे आप यहाँ पर होम स्क्रीन मोड को कैसे आप चेंज करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी। ये है रियलमी के मोबाइल में। तो यहाँ पर तीन आपको ऑप्शन दिया गया है, तीन मोड, स्टैंडर्ड मोड, ड्रावर मोड एंड सिंपल मोड। तो तीनों का आपको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको सेटिंग पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, मैगजीन का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको। होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन पे ही क्लिक करना है, फिर आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा। होम स्क्रीन मोड पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा। स्टैंडर्ड मोड पे क्लिक करना है, अप्लाई पर। देखिए फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड मोड में आपको एक ऐसा एप्लीकेशन देखिए, फ्रंट आपको लुक जो है ऐसा देखने को मिलेगा एंड बैक साइड में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन जो भी है आपको ऐसा देखने को मिलेगा, यानी कि एक रो में आपको चार एप्लीकेशन मिलेगा और यहाँ पर कुछ ऐसा आपको सर देखने, तीन एप्लीकेशन आपको नीचे मिलेगा और यहाँ पर टाइम देखने को मिलेगा। अप्लाई पर क्लिक करते हैं, स्विच पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए होम स्क्रीन में आपको ऑप्शन, पहला ऑप्शन मिला, तीन एप्लीकेशन नीचे मिल रहा है, चार एप्लीकेशन यहाँ मिल जाता है। तो इस तरीके से आप बाकी एप्लीकेशन आप इस तरीके से स्वाइप करके इस्तेमाल कर पाएंगे। ये देखिए काफ़ी एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये था जिसे आप अप्लाई करके इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, फिर से इस पर क्लिक करना है, ड्रबल मोड पे क्लिक करना है। ड्रबल मोड में आपको सेम आपको फीचर्स मिल रहा है, पर इसमें इस्तेमाल करने का तरीका इसका अलग है। होम स्क्रीन मोड आपको पहला तो आपको चार एप्लीकेशन मिल रहा है एंड नीचे चार एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, टाइम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ड्रबल मोड में आप ऊपर की ओर स्वाइप करके इस्तेमाल कर पाएंगे, बाकी एप्लीकेशन आपको ड्रबल में ऐसा देखने को मिलेगा। दिखाती हूँ कैसे इसको यूज़ करते हैं। इस पर क्लिक करना है, स्विच पे क्लिक करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आप इस तरीके से स्वाइप कर पाएंगे, कोई भी एप्लीकेशन आपको ओपन करना हो तो इस तरीके से एक ही साथ आपको मैनी एप्लीकेशन देखने को मिलेगा और यहाँ से आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन इसमें दिया गया है, इस तरीके से आपको यूज़ करना है। ये ड्रबल मोड ऐसे ओपन होता है ये। नेक्स्ट है सिंपल मोड। ने सिंपल मोड की बात करें तो फिर से आपको उस पर क्लिक करना है, फिर से यहाँ पर आपको सिंपल मोड पे क्लिक करना है, अप्लाई पर। यहाँ पर सिंपल मोड वेरी यहाँ पर बहुत ही अलग है इससे। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक रो में आपको तीन एप्लीकेशन मिलेगा, बिल्कुल डिस्टेंट में आपको मिलता है, काफ़ी खुला खुला एप्लीकेशन इसमें मिलता है। और यहाँ पर फ्रंट में आपको ऐसे मिलेगा, बाकी आपको ऐसा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। स्विच पर क्लिक करना है और ये देखिए बाकी एप्लीकेशन कुछ ऐसा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिससे आप इस्तेमाल कर पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे। तो ये है सेटिंग प्रेस, जिससे स्टैंडर्ड मोड सेटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।